नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं मनीष सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। कीर्ति सोनी जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कीर्ति जी। अनिल फौजदार, बंदा चौथ, राम राम सर जी, राम राम। अमित शर्मा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमित जी। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए पीछे मैंने एक इमेज ले रखी है और खुशी का ये पल है, हम प्रत्येक भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। आज इसकी भी चर्चा करेंगे 5 मिनट के लिए। जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए एक बार। जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चंद्रयान 3 की, और चंद्रयान 3 के साथ साथ मैथ की क्लास भी आगे चलेगी। बिल्कुल देविंदर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग देविंदर। नीरज, गुड इवनिंग। नितेश एंड हेमा सोनी जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ शाम वाली क्लास में, मैथ की जो हमारी क्लास चलती है 7:45 से लेकर के। उर्वशी गोला, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। देखिए भारत के लिए एक स्वर्णिम पल है आज, एक स्वर्णिम इतिहास रचा है हम भारतीयों ने, भारत सरकार ने, इसरो ने, इसरो के सभी अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक भारतीय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत सरकार के दृढ़ संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी 2019 में हमने एक मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 2, और आज 2023 की सफल लैंडिंग हम कर पा रहे हैं। याद है वो पल जब हम भावुक हो जाते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको गले लगाया था और कहा था कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। विज्ञान विज्ञान प्रयास पर डिपेंड है, जितने ज़्यादा प्रयास होंगे उतने ही ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। चलिए आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है इंडिया ऑन मून। इंडिया कहाँ है? इंडिया ऑन मून, इंडिया चांद पर है। सभी विद्यार्थी एक बार सुन लीजिए, इंडिया ऑन द मून। भारत इस समय चांद पे खड़ा है। चांद पे हमारा जो विक्रम लैंडर है, और उसका नाम विक्रम ही क्यों रखा है, क्योंकि विक्रम साराभाई को आप जानते होंगे, भारत में इसरो की स्थापना करने वाले विक्रम साराभाई है ना, उन्होंने ही अंतरिक्ष मिशन जो थे भारत में उनकी स्थापना की थी, स्टार्टिंग शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो उन्हीं के नाम पर ये जो लैंडर है इसका नाम रखा गया है विक्रम, ठीक है। और ये लैंड कर चुका है। आपको भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू नितेश जी, अमित शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वी आर नाउ ऑन द मून। बिल्कुल, जय हो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, हम सभी मून पर हैं। पटेल साहब, इंडिया, बिल्कुल इन 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 इन, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का उत्साह देख करके मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल उत्साह से भरे हुए हैं, और आप सभी को इस बात की मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज भारत जो है वो चंद्रमा पर है। देखिए एक बार बात कर लेते हैं मून मिशनों की, है ना। लोग बात कहते हैं हम सेकेंड चंद्रयान 2 पे असफल हो गए थे। असफल नहीं थे भैया, 95% हमारा मिशन सफल था, 95% हम सफल थे। और आज आज जब हमने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की है, तो याद रखिए इसके लिए हमने चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है उसी से काम निकाला है, हमने नया ऑर्बिट नहीं भेजा है। चंद्रयान 3 का संपर्क, जो चंद्रयान 3 से डाटा पृथ्वी पे आ रहा है, या पृथ्वी से हम जो सिग्नल भेज रहे हैं चंद्रयान 3 के पास, विक्रम के पास, वो सारे जो लेन देन हो रहा है, तो भी इंफॉर्मेशन का लेन देन हो रहा है, वो सब चंद्रयान 2 के, आज भी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट है उसी से हो रहा है सर। कीर्ति सोनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया इन, बिल्कुल इंडिया इन एंड इंडिया विन, इंडिया जीत चुका है बिल्कुल। और देखिए अगर हम बात करें इस पर, थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूं मैं, तो इसी चीज को हम लेकर के चल रहे हैं कि यदि मैं अमेरिका की बात करूं सर, अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका ने टोटल 31 मून मिशन किए हैं। अमेरिका ने टोटल 31 मून मिशन किए हैं, 31। और 31 मून मिशनों में ऐसा नहीं है अमेरिका सफल रहा हो, नहीं सर, 31 में से 17 बार फेल रहा है अमेरिका। अमेरिका का जो मून मिशन है 31 में से 17 बार फेल हुआ है। बात करें रसिया की, रूस की, तो सोवियत संघ जब हुआ करता था इन्होंने 33, अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने 33 मिशन भेजे हैं। और वर्तमान वाले को यदि जोड़ दिया जाए, लूना 25 को जोड़ दूं तो 34 मिशन है। 34 में से सर 22 बार फेल हुआ है। आप देखिए फेल का रेशो कितना है, है ना, लगभग 52-54% के आसपास ये लोग फेल हो रहे हैं सभी।
और लोगों को जोड़ो, बिल्कुल सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने लोगों को जोड़िए। देखिए आज गर्व की बात है प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है, प्रत्येक इंडियन के लिए गर्व की बात है, इसरो के लिए गर्व की बात है। आज सीधा सीधा नासा को सीधा सीधा इसरो टक्कर दे रहा है सर, बिल्कुल खुली चुनौती इसरो ने डाल दी है। और देखिए अगला मिशन जस्ट, अगला मिशन आदित्य हम लॉन्च कर रहे हैं सूर्य की तरफ, जो सूर्य की तरफ जाएगा और सूर्य के बाहर एक निश्चित दूरी पर रहकर के सूर्य का अध्ययन करेगा। एक नया मिशन सूर्य पर लॉन्च होने वाला है, चंद्रयान 3 हो गया, गंगायन चल रहा है, गंगायन का प्रोसेस चल रहा है। आफ्टर सम टाइम भारत जो है वो चांद पर लोगों को भेजने की तैयारी कर रहा है, मेन मिशन भेजने वाला है भारत। इंडिया ऑलवेज बिन, बिल्कुल नीरज जी, अनिल फौजदार, हम आज चंदा मामा के पास पहुंच गए। देखिए अनिल जी एक बात बताता हूं, चांद से हमारा रिश्ता आज का नहीं है, 42,000 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी से एक उल्का पिंड आकर के टकराया था, जिसका खुद का वॉल्यूम, जिसका खुद का जो आकार था वो शनि ग्रह के बराबर था। जब उन दोनों की टक्कर हुई तो पृथ्वी के दो खंड हुए, एक खंड चंद्रमा के रूप में वर्तमान में देखते हैं हम, और एक है हमारी मूल पृथ्वी, दो हिस्सों में बटी थी, एक पृथ्वी है और एक चंद्रमा है, दोनों भाई बहन है, पृथ्वी जो है वो बहन है और चंद्रमा भाई है। इसीलिए हमारे घर में आज भी माँ या दादी जो होती है वो बच्चों को लूरी सुनाती है, चंदा मामा दूर के। चंदा को मामा क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चांद जो है वो पृथ्वी का ही पार्ट है, पृथ्वी का ही एक पार्ट है जो टूट करके अलग हुआ है कई हजार करोड़ वर्ष पूर्व, चंद्रमा। तो चंद्रमा को आज भी हम मामा कहते हैं, लेकिन अब चंद्रमामा दूर के नहीं है, अब तो चंद्रमामा है टूर के। एक टूर करना है बस चांद का, एक टूर करना है बस चांद का और चंद्रमा पर हम पहुंच जाएंगे, बिल्कुल एक टूर करना है बस। चलिए आगे चलते हैं, कुछ जानकारियां मैंने आपको यहाँ साझा की हैं, देख लीजिए। यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, देखिए अमेरिका ने टोटल 31 मिशन भेजे हैं, 31 में से 17 बार फेल हुआ है। रसिया की बात करें तो लूना 25 को मिला करके 34 मिशन भेजे हैं, 34 में से 22 बार फेल हुआ है। जबकि भारत की बात करें, तीसरा मिशन है भैया, पहला मिशन सफल था चंद्रयान फर्स्ट। अगर हम भारत की बात करें तो चंद्रयान प्रथम जो मिशन था वो हमारा सफल था, चंद्रयान 2 की बात करें सेकंड की, ये भी हमारा 95% सफल था क्योंकि हमने ऑर्बिट को स्थापित कर दिया था। और अब बात करें चंद्रयान 3 की, ये भी हमारा सफल है सर जी, सफलता की एक मीनार चढ़ रहा है भारत इस समय, और सभी भारतवासियों के लिए ये गर्व की बात है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आदित्य क्लासेज लीग में। आज हमने लाइव इसका जो स्टूडेंट के साथ हमने लाइव देखा था पूरा प्रोसेस, किस हिसाब से चांद पर उतरा है लैंडर और विक्रम। अभी कुछ समय बाद जब डस्ट चांद पर, जैसे थ्रस्टरों ने जो प्रेशर पैदा किया उसकी वजह से डस्ट उड़ रही है, डस्ट जब शांत हो जाएगी तो चंद्रमा में से रोवर बाहर आएगा सर, चंद्रमा में से इसमें सॉरी विक्रम, विक्रम जो लैंडर है उसमें से रोवर बाहर आएगा रैंप के द्वारा, और ये रोवर चांद की सतह पर राउंड चक्कर लगाएगा आराम से, और ये छोड़ेगा साथ में भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो, दोनों ये चांद की सतह पर बनाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चलिए देखिए आज की क्लास की बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था और क्या क्या चल रहा है। हमारे पास टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, इट मीन्स भिन्न, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को हमने 3 प्रकार से बांटा था। नंबर 1 साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। नंबर 2 हमारे पास थी दशमिक भिन्न अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 3 थी सतत भिन्न, कंटिन्यूस फ्रैक्शन। 3 प्रकार की फ्रैक्शनों की हमने यहाँ चर्चा की थी सर, और 3 में से सुन लीजिए हम जो फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं वो कौन सी हैं। साधारण भिन्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज सेकंड पार्ट चलेगा दशमिक भिन्न। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट चल रहा है आज दशमिक भिन्नों का। और आप सभी के लिए बार बार शुभकामनाएं कि आज भारत बुलंदियों को छू रहा है, इसरो को सीधा सीधा टक्कर, नासा को सीधा सीधा टक्कर दे रहा है इसरो। और याद रखिए एक और बात, सबसे कम पैसों में यदि कोई चंद्रयान मिशन हमने भेजा है चंद्रमा के लिए, तो भारतीय लोग हैं जिन्होंने 615 करोड़ रुपए की लागत में चंद्रमा तक मिशन भेज दिया है सर। इतने की तो आजकल मूवियाँ बन जाती हैं, 615 करोड़ रुपए की तो हॉलीवुड की मूवियाँ बन जाती हैं। इतने में हमने चांद पर मिशन भेज दिया और वो भी सफल रहा है। चंद्रयान की कक्षा में हमने
ऑर्बिट को स्थापित चंद्रयान सेकंड से कर दिया था, चंद्रयान थर्ड से विक्रम को स्थापित किया गया है। बिल्कुल अनिल, कल वाले क्वेश्चन का उत्तर बता दो सर। अनिल जी सही था आपका आंसर, उसका आंसर पाँच ही है। बिल्कुल कल वाले प्रश्न का उत्तर पाँच था, बिल्कुल सही था आपका भी। और राखी ने कमेंट की थी तो राखी का भी उत्तर सही था, दोनों लोगों का उत्तर सही था कल पाँच। चलिए आज आगे की बात करते हैं। तो देखिए पार्ट सेकंड चल रहा है, पार्ट सेकंड चल रहा है फ्रैक्शन का, और आज हम बात करेंगे दशमिक भिन्नों की। इट मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है सर? डेसिमल फ्रैक्शन दशमिक भिन्न क्या होती है? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं सर, जीरो से हीरो की यात्रा कर रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं और टॉप लेवल तक चलेंगे। तो देखिए दशमिक भिन्न होती क्या है, पहली बात तो यही आती है दशमिक भिन्न, सुन लीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती हैं? वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घातों में हो, वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घातों में हो दशमिक भिन्न कहलाती हैं, दशमिक भिन्न कहलाती हैं, तथा दशमिक भिन्नों को हल करने पर, तथा दशमिक भिन्नों को हल करने पर दशमिक संख्या प्राप्त होती हैं सर, दशमिक संख्या प्राप्त होती हैं। मतलब क्या है? मतलब सुन लीजिए, कोई भी भिन्न जिसका हर 10 है या 10 की घातों में है वो डेसिमल फ्रैक्शन है, और डेसिमल फ्रैक्शन को यदि अपन सॉल्व करते हैं तो हमें डेसिमल नंबर प्राप्त होता है, दशमिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ दशमिक भिन्न, इधर लिख रहा हूँ दशमिक संख्याएं, जैसे दशमिक भिन्न आ गई कोई 21/10, तो 21/10 का मतलब क्या है सर? 2.1। भाई एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट आएगा पीछे से, 2.1 मान लीजिए आ गया 21/100, इसका मतलब दो जीरो है तो दो अंक बाद पॉइंट 0.21, मान लीजिए आ गया 21/1000 तो क्या आएगा 0.021। ये जो इधर आ रही है ये दशमिक संख्याएं हैं, और इधर आ रही हैं दशमिक भिन्न हैं। दशमिक भिन्नों से दशमिक संख्याएं प्राप्त होती हैं और दशमिक संख्याओं से दशमिक भिन्न प्राप्त होती हैं। तो आप दोनों ही चीज़ें निकाल सकते हैं, दशमिक भिन्नों से दशमिक संख्याएं और दशमिक संख्याओं से दशमिक भिन्न। जैसे मान लीजिए कहीं आया 2.456, तो यहाँ से हम दशमिक भिन्न बना सकते हैं 2456। अब सुनिए, ये पॉइंट जब भी हटता है तो पॉइंट का मतलब होता है बटे में एक, और इस पॉइंट के पीछे जितने अंक हैं उतनी जीरो, तीन अंक हैं तो तीन जीरो लगा दिए, उत्तर आ गया हमारे पास दशमिक भिन्नों का। अब बात करेंगे कि दशमिक भिन्न होती कितने प्रकार की हैं। दोबारा सुन लीजिए, दशमिक भिन्न वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घातों में होता है, वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घातों में होता है दशमिक भिन्न कहलाती हैं, और दशमिक भिन्नों को हल करने पर दशमिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। इट मीन्स दशमिक संख्याओं से दशमिक भिन्न और दशमिक भिन्नों से दशमिक संख्याएं बनती हैं। बात करते हैं आगे दशमिक भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए इसके लिए हमें दशमिक प्रसार पढ़ना पड़ेगा, दशमिक प्रसार या दशमलव प्रसार कह देते हैं अपन। लीजिए दशमलव प्रसार या दशमिक प्रसार पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से दशमलव जो प्रसार है वो होता है सर दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है दशमलव प्रसार? दो प्रकार का, या हम कह सकते हैं कि जो दशमिक भिन्न है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से दो प्रकार की होती हैं सर? सुनिए, नंबर एक कहलाती हैं शांत दशमिक भिन्न। कैसी? शांत दशमिक भिन्न। और नंबर दो कहलाती हैं अशांत दशमिक भिन्न। कैसी? अशांत। एक हो गई शांत, एक हो गई अशांत। शांत और अशांत में क्या अंतर है सर जी? शांत और अशांत में क्या अंतर है, ढंग से समझ लीजिए। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश को हर से विभाजित किया जाता है, किसी भिन्न के अंश को मैं हर से विभाजित करूँगा तो पॉइंट के कुछ संख्या बाद तक वो अंश पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और शेषफल जीरो आएगा तो है शांत। यदि किसी भिन्न के अंश को हर से विभाजित करूँ और दशमलव के कुछ अंक बाद तक भी भिन्न हल ना हो और यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहे तो अशांत। जैसे रफ्तार कर लेते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए मैंने दिया 8/5, 5 एकम 5 बचा 3 भाग नहीं जाएगा पॉइंट,
लगा 0.5 चिंगी 30, पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये जो 1.6 है, ये जो 1.6 है ये क्या है, शांत है। क्यों? क्योंकि शेषफल आ गया 0, इसके बाद तो कुछ आने वाला है नहीं। तो देखिए और बात कर लेते हैं रफवर की। जैसे मान लीजिए मैंने दसवें भाग दिया 8 का, दसवें 8 का भाग, 8 एकम 8, बचा कितना 2, लगा पॉइंट बढ़ गए 0, 8 दूनी 16, बचा कितना 4 पॉइंट लग रहा है, बढ़ गए 0, 58 कितना हो गया 40, शेषफल क्या आया 0। तो सर जी 1.25 ये भी क्या है, शांत है। या फिर 2.345 ये भी क्या है, शांत है। ये सब शांत दशमिक बिंदु हैं। अब सुनिए, यदि मैं यहाँ दसवें भाग दे दूँ 3 का, दिया दसवें भाग दिया 3 का, स्टडी ऑफ सक्सेस, चंद्रयान 3 मिशन हैज सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, बिल्कुल इंडिया विन, बिल्कुल। यदि आपको कोई टेलीग्राम चैनल हो तो लिंक बता देना सर जी, आप क्वेश्चन या पीडीएफ डालते होंगे। बिल्कुल बता देंगे अनिल जी, बिल्कुल बता देंगे। देखिए दस में डिवाइड दिया 3 का, तो तिनाम किया 9, बचा 1, लगा पॉइंट बड़ी 0, तिनाम किया 9, बचा 1, 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 बड़ी 0। क्या ये प्रक्रिया कभी खत्म होगी? क्या नहीं होगी सर, ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। और ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी जो भिन्न होती हैं जिनके अंश में हर का भाग देने पर अनंत काल तक चलती रहती हैं, वो कहलाती हैं अशांत। वो क्या कहलाती हैं सर? अशांत कहलाती हैं, जो अनंत काल तक चलती हैं। जैसे 2.437518 .. अनंत, ये जो चीज़ें होती हैं अशांत। अब सुनिए, शांत तो यहाँ आकर हो गई ख़त्म, शांत का मामला तो हो गया ख़त्म। दशमलव प्रसार दो प्रकार से, शांत और अशांत। शांत तो यहाँ ख़त्म हो गई, बात करते हैं अशांत की। तो अशांत के आगे देखिए, अशांत के आगे चलकर फिर से दो पार्ट हैं सर, अशांत के आगे चलकर फिर से दो पार्ट हैं। नंबर एक आता है आवृत्ति, आवृत्ति कह लीजिए या पुनरावृत्ति कह लीजिए। जब किसी एक अंक या किसी संख्या की बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो वो आवृत्ति अशांत दशमिक प्रसार कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये वाला था 3.333333 अनंत, जैसे आ गया 2.414141 .. अनंत। अब यहाँ 4141 का रिपीटेशन हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है, जिसमें रिपीटेशन हो, जिसमें आवृत्ति हो, वो कहलाएगी आवृत्ति। दूसरा हिस्सा होता है अशांत अनावृत्ति। कौन सा? अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति क्या होती है? जैसे सेकंड वाला उदाहरण है 2.437518 .. अनंत, चल तो अनंत तक रहा है, लेकिन आवृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही सर, यदि आवृत्ति नहीं हो रही तो अनावृत्ति है। जैसे 1.4375 .. अनंत, आवृत्ति नहीं हो रही तो अनावृत्ति है। अब सुनिए ध्यान से, इसकी अगर हम बात करें दशमलव प्रसार की, तो एक तो होता है शांत, एक होता है अशांत। देर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, कौन कौन सी हैं? एक तो शांत है, एक अशांत है। अशांत के दो हिस्से हो गए आवृत्ति और अशांत के दो हिस्से हो गए आवृत्ति और अनावृत्ति। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए प्रश्न कहाँ से बनेगा। एक तो प्रश्न की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ये आवृत्ति वाला, एक तो यहाँ से प्रश्न बनता है। दूसरा जो अशांत है, इस अशांत में से भी प्रश्न बनता है सर। सी टेट 2023 जो परसों पेपर हुआ था 20 अगस्त को, वहाँ भी इसमें से प्रश्न बना था, आरोही और अवरोही क्रम वाला, आरोही और अवरोही क्रम वाला प्रश्न बना था। तो हम सारे प्रश्नों की बात करेंगे और टोटल जो प्रश्न है उन्हें दो भागों में बांट लेंगे। देयर आर टू टाइप, कितने प्रकार कर लेंगे? दो प्रकार कर लेंगे। जैसे टाइप फर्स्ट की हम बात करते हैं, प्रकार एक साधारण प्रश्नों की बात करते हैं सर, जो सिंपल क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। अब सुनिए, जो साधारण प्रश्न हैं उनमें नॉर्मली, जैसे रीट का पेपर हो, सी टेट का पेपर हो, ये जो पेपर होते हैं इनमें अक्सर कर नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपका वॉचमैन का हो, कई बार SSC GD वगैरह UP पुलिस में भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक तो पॉइंट वाली संख्याओं के प्लस, एक पॉइंट वाली संख्याओं के माइनस, प्लस माइनस और एक तुलना वाले, तीन प्रश्न इसमें बनते हैं। एक तो प्लस माइनस और एक तुलना वाले। जैसे देखिए, अगर हम सी टेट वाले प्रश्न की बात करें तो कुछ ऐसा प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है, है ना, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है।
चलिए पहले उससे पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल प्रश्न कराता हूँ, फिर आपको ले चलेंगे जो प्रश्न पेपरों में आए हैं उनकी तरफ। जैसे देखिए कोई प्रश्न आ गया 2.0+2.2+2.222+2.2002 का मान होगा, का मान होगा। निहायत ही सरल प्रश्न है सर, आप सभी को आते होंगे, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए, मेरी मजबूरी है जीरो से लेकर के टॉप तक चलना, है ना। यदि कोई विद्यार्थी चाह रहा है सर डायरेक्ट टॉप पे पहुंच जाओ, सर नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए मैंने प्रश्न दे दिया x+1/x=2, देन द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x^47+x^74 आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन हम यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते सर। पहुँचेंगे लेकिन बेसिक से हम जीरो से शुरुआत करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर तक, टॉप तक जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग जीरो से ही होगी, है ना, स्टार्टिंग जीरो से ही होगी। याद आपकी समझ में आ रही होगी बात, तो आपको लग रहा होगा सर इतने सरल सरल सवाल क्यों करा रहे हैं। भैया हमारे साथ सभी प्रकार के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो लाइव में जुड़ते ही नहीं हैं, वो इंतज़ार करते हैं कब वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे, गलती से सर ने देख लिया और पूछ लिया कुछ तो क्या होगा, तो इसलिए वो जुड़ते ही नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए, या जो विद्यार्थी जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, या जो तैयारी शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनके लिए सभी तरह के सवाल कराने पड़ते हैं भैया। तो याद रखिए हम चलेंगे टॉप तक, लेकिन चलेंगे बेसिक से। देखिए बिल्कुल साधारण प्रश्न है, का मान पूछा है, टोटल करना है। जिनको जोड़ना आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो ऐसे कर लेना। देख लो पहली टर्म्स 2.0, दूसरी ले ली 2.2, तीसरी 2.22, फिर आया 2.222 और फिर आ गया 2.2002। अब देखिए इसको हमें जोड़ना है, क्या करना है, जहाँ जहाँ जगह खाली है आप जीरो बढ़ाते चलिए, यहाँ जगह खाली है इसके ऊपर जीरो, यहाँ जीरो जीरो, यहाँ जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर भी कितनी जीरो, चार जीरो। चलिए करिए टोटल, सबको जोड़ा दो, सबको जोड़ा दो, दो और दो चार, दो चार दो छः दो आठ, पॉइंट दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, तो आंसर आ गया सर 10.8422। बिल्कुल यादवेंद्र पारा सर जी, नमस्ते नमस्ते यादवेंद्र जी, स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखिए बिल्कुल निहायत ही सरल प्रश्न है, तो एक तो इस टाइप के प्रश्न बन जाते हैं, इसी में प्रश्न कई बार प्लस का भी आ जाता है, प्लस माइनस दोनों मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है, प्लस माइनस दोनों मिक्स हो जाता है। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया 5.5+5.55+5.055+5. या माइनस ले लेते हैं, चलिए इसके -5.555-2.505 का मान होगा। तो ऐसे प्रश्न यदि कोई आ जाए सर, निहायती सरल प्रश्न हैं, बड़े आराम से आप कर पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक साथ लीजिए, जो माइनस वाले हैं एक साथ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सब प्लस के हैं, लेते हैं एक साथ 5.5, 5.55, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते जाइए 5.055। सबको देखिए जहाँ खाली जगह थी आपको याद होगा क्या बढ़ा लेनी है, जीरो बढ़ा लेनी है। जोड़ा 5, 5 × 10 जीरो, हाँ से ले 5 × 10 = 11, 11 × 1 हाँ से ले 5, 5 × 10 = 15, 15 × 1 16.105। ये हो गया प्लस प्लस का। ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह कौन है भैया ओम प्रकाश, चलिए देख लीजिए आगे, यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखिए माइनस माइनस के है, दोनों टर्म्स जोड़ लेते हैं माइनस वाले 5.555 और 2.505, इनको प्लस कर लेते हैं एक साइड में, 5 और 5 = 10 हासिल 1, 5 और 1 = 6, 5 × 2 = 10, 10 = 0 हासिल 1, 5 और 2 = 7 और 1 = 8। दोबारा देखिए 5 × 2 = 10 हासिल 1, 5 और 1 = 6, 5 × 2 = 0, 5 और 3 = 8। सर 16 में से घटाइए 8.060, माइनस किया 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 9 यहाँ पर बचा 0 आ गया सर, 16 में से 8 गया, तो 8.045 हमारा आंसर हो गया।
8.045 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 8.045 हमारा आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, और तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड जो प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न क्या है सर, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, या तो हम प्लस कर लें माइनस कर लें, पॉइंट वाले आराम से हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न आता है एक आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना, आरोही एवं अवरोही क्रम, आरोही एवं अवरोही क्रम। अब बात करें आरोही क्रम की, सर आरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम सुन लीजिए, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब कि छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, यदि छोटे से बड़े की ओर हम बात करते हैं तो आरोही क्रम है, और यदि अवरोही क्रम की बात करें हम तो अवरोही क्रम क्या होता है, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में अर्थात बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, किससे, बड़े से छोटे की ओर। तो आरोही अवरोही क्रम के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि सी टेट में इस बार प्रश्न आया था। देखिए सी टेट में इस बार जो प्रश्न आया था वो प्रश्न क्या था उसकी बात हम कर लेते हैं सर, है ना। वैसे तो मुझे क्लियरली याद नहीं है ढंग से, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। प्रश्न आया था जैसे तीसरा, निम्न में आरोही क्रम है, ऐसा प्रश्न सी टेट में आया था 2023-20 तारीख को। क्या था प्रश्न, जैसे पहला आ गया 1.05, 1.05, 1.505, 1.505, 1.505, चलिए यहीं तक ले लेते हैं, 1. या फिर 0.55 ये हो गया। दूसरा हमने ले लिया सर, मान लीजिए आरोही क्रम में बताना है, 0.55 का ले लिया, 1.05, 1.05, 1.505, 1.505 और 1.5। तीसरा सी, 0.55, 1.05, 1.505, 1.55 और 1.5। और डी हमने ले लिया, मान लीजिए 0.55, 1.05, 1.505, 1.505, 1.505। ऐसा कोई प्रश्न आ गया सर, ऐसा कोई क्या आ गया, प्रश्न आ गया। और ये प्रश्न देखिए, ओम प्रकाश जी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, क्लास चल रही है, चलने दीजिए, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसे विद्यार्थियों की हमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आप सोच रहे हो तो इसी वजह से प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। वैसे ही मैं इग्नोर कर रहा हूँ आपकी कमेंट को, तो आप यहाँ देख लीजिए। चलिए तो देखिए सर, आरोही क्रम जो है, निम्न में से आरोही क्रम में क्या होगा, तो इन चारों की बात कर रहे हैं, और चारों में से आरोही क्रम में कौन सा हो सकता है। तो देखिए इसके लिए एक सीधा सा तरीका है, या तो आप हर एक को देख लीजिए कौन सा आरोही क्रम है और कौन सा नहीं है। आरोही, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में अर्थात छोटे से बड़े की ओर, अर्थात छोटे से बड़े की ओर। चारों ऑप्शन आप रख के देख सकते हैं, जैसे चौथा ऑप्शन है, मैं रख लेता हूँ एक बार,
0.55, ठीक है। इसके बाद देखिए 1.05 मैंने लिया है, थर्ड है 1.5, फोर्थ है 1.505 और सिक्स लिया है 1.55। जहाँ भी जगह खाली है सबकी जगह क्या बढ़ाना है, जीरो बढ़ाना है। देखिए क्या ये बढ़ते क्रम में है क्या, 0.55 है ना, 0.55 आया, फिर 0.1, देखिए केवल 0.55 है, इससे ठीक बड़ा हो जाएगा 1.050, फिर 1.500, 1.505, 1.550, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ऐसा यदि कोई प्रश्न आता है तो आप सबके नीचे जीरो रख लीजिए और जीरो रख करके देख लीजिए। बिल्कुल राहुल, राधे ठाकुर, राधा ठाकुर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आएगा सर, बिल्कुल क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, डी इज करेक्ट। 0.55, 1.05, 1.5, 1.505 और 1.55 आपको ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट पहला पद, पहला पद है जीरो, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, एक एक वाले सब ठीक हैं, यहाँ तक जीरो पहले आएगा, बिल्कुल ये पद तो पहला हो गया। अब इसमें से देखते हैं, एक के बाद पॉइंट 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 पॉइंट, यहाँ है जीरो, यहाँ है पाँच, यहाँ है पाँच, यहाँ है पाँच, सबसे पहले जीरो वाला आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब पाँच 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 वाले तीनों कॉमन है, तो देखिए पाँच के बाद कुछ नहीं है, मान लीजिए मैं दो जीरो बढ़ा लूँ, 500 हो गया, 505 हो गया, लास्ट में एक जीरो 550, अब भी क्लियर है। आप चाहें तो ऐसे ना करके डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको देखूँ मैं, देखिए 1.5 है तो एक 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 जीरो लास्ट में छोटा आया है, सबसे पहले बड़े बड़े, गलत है सर ये, है ना। अब देखिए ये सही है, 0.55 से शुरू है, 55 के बीच जीरो, जीरो 550, अब 1.05 यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन 1.050 के बाद 1.550 कैसे आ सकता है, ये गलत है। इसी तरह 0.550, फिर 0.50, फिर 0.50 के बाद भैया 1.505 कैसे आ सकता है, ये भी गलत है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पर भी इनको कर सकते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो सामान्यतः बनते हैं, आपसे आरोही क्रम पूछ लेगा, अवरोही क्रम पूछ लेगा, या आपसे प्लस माइनस करवा लेगा। जैसे एक प्रश्न की तरफ और चलते हैं हम, देखिए एक प्रश्न की बात और कर लेते हैं, चलिए आप बताना उसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से अवरोही क्रम होगा, निम्न में से अवरोही क्रम होगा, क्या पूछा है, निम्न में से अवरोही अवरोही क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए 2.404, 2.04, 2.044, ऑप्शन नंबर बी 2.404, 2.04, 2.044, 2.044, 2.044, 2.044 और 2.4, ऑप्शन नंबर डी 2.404, 2.04, 2.044 और 2.4, निम्न में से अवरोही क्रम होगा, अवरोही क्रम आपको बताना है सर। ओम प्रकाश, हाँ सर यही था, चलिए देखिए, हाँ ये आपको बताना है, निम्न में से अवरोही क्रम होगा। हमने इससे पहला जो प्रश्न पढ़ा है वो पढ़ लिया सर, आरोही क्रम, क्या था, आरोही क्रम, और अब बात हो रही है अवरोही क्रम की, तो निम्न में से अवरोही क्रम होगा। अब बताना है आपको अवरोही, अवरोही का मतलब समझ ही गए होंगे, अवरोही का मतलब क्या होता है सर, घटते क्रम में, घटते क्रम में, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिस्क्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर जो होता है, बड़े से छोटे की ओर, उसे कहेंगे हम अवरोही क्रम, और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। बात कर रहे हैं अवरोही क्रम की, निम्न में से अवरोही क्रम होगा, घटते क्रम में हमें बताना है, घटते मतलब बड़े से छोटे की ओर चलना है, बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। बड़े से यदि हम छोटे की ओर चलें तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
चलिए अनिल फौजदार, अनिल फौजदार बंदा चौथ जिला डीग, ऑप्शन बी बता रहे हैं। चलिए अनिल जी बहुत अच्छा, और भी जो मित्र हैं जवाब दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से अवरोही क्रम होगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन हमने यहाँ लिए हैं। अभी मैंने आपको छांटना बताया था, या तो सबको बराबर कर लो, या फिर दूसरा तरीका भी बताया था अभी एक, है ना, वहीं की वहीं छांटने का। जैसे पहला पहला ऑप्शन देखते हैं हम, अवरोही है या नहीं है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। देखिए दो 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 यहाँ तक चारों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। दो के बाद पॉइंट चार, पॉइंट चार इसमें भी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो तीन अंक हैं, तो यहाँ दो जीरो बढ़ा लेते हैं। पॉइंट चार सौ, पॉइंट चार सौ के बाद आया चार सौ चार। सर क्या चार सौ से छोटा है क्या चार सौ चार? क्या चार सौ से छोटा है चार सौ चार? नहीं है, नहीं है तो यही गलत है, यही की यही खत्म हो गया। अगले अगले पे आइए। दो 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 इक्वल है, दो के बाद चार सौ चार, फिर आया पॉइंट चार, दो जीरो बढ़ा ली, तो चार सौ के बाद, हाँ चार सौ चार के बाद चार सौ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा है। चार सौ से छोटा आया जीरो जीरो चम्बालीस, और जीरो चम्बालीस से छोटा आया जीरो जीरो, और एक और जीरो बढ़ा ली चालीस। देखिए बिल्कुल सही है, दो तो कॉमन था, चार सौ चार, चार सौ चम्बालीस और चालीस, बिल्कुल सही है। ये दे रखा है सर अवरोही क्रम में, बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल नीरज जी एक बार देखिए बेटा क्या है कि भाई दो पॉइंट दो 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 तो कॉमन है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा 404, फिर 400, फिर 0 44 और 0 40, ये हो गया। चलिए आई थिंक कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बी होगा सर, बी होगा, और रोशि बोला बी है, बिल्कुल सही है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई दिक्कत। देखिए इसमें ज़्यादा जो साधारण प्रश्न हैं, या तो प्लस के या माइनस के, या सबसे बड़ा सबसे छोटा, आरोही या अवरोही, बस यही प्रश्न बनते हैं, यही प्रश्न बनते हैं, आरोही अवरोही सबसे बड़ा सबसे छोटा, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए ले चलता हूं मैं, चलिए एक प्रश्न की तरफ और चलते हैं, नया जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न लास्ट एंड फाइनल, फिर अपन सेकेंड टाइप पे चलेंगे इसी की पे। पांचवा प्रश्न ले लेते हैं, निम्न में से आरोही क्रम का विकल्प है। निम्न में से आरोही, अब आपको आरोही बताना है। आरोही मतलब छोटे फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, छोटे से बड़े की ओर। ए 2.3 कॉमा 2.03 कॉमा 2.303 कॉमा 2.033। बी 2.03 कॉमा 2.033 कॉमा 2.3 कॉमा 2.303। सी 2.03 कॉमा 2.3 कॉमा 2.033 कॉमा 2.303। सी के बाद डी आ गया 2.03 कॉमा 2.3, एक मिनट, 2.033 2.303 और 2.3। निम्न में से कौन सा विकल्प आरोही है? आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, सर बी ही होगा इसका आंसर, बिल्कुल बी होगा ओम प्रकाश जी, बिल्कुल बी होगा। एक बार इसे और देख लीजिए, आरोही क्रम में लिखना है छोटे से बड़े की ओर। इसका बी होगा, चलिए एक बार देख लीजिए जल्दी से, प्रश्न का जवाब दीजिए, लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम बात करेंगे आवृत्ति वाले की, जो सेकंड कंडीशन के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनकी बात करेंगे सर। बिल्कुल आकांक्षा राजपूत भी,
अनिल फौजदार, इसका भी बी होगा सर, उर्वशी गोला बी, गीता देवी बी, बिल्कुल जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए एक बार देखते हैं, निम्न में से आरोही, आरोही मतलब क्या होता है सर? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, स्मॉल से बिगेस्ट की तरफ चलता है, छोटे से बड़े की ओर चलेगा, बिल्कुल सही है। देखते हैं पहला, दो 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 सबका कॉमन है, बराबर है, तीन है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद देखिए लास्ट हाईएस्ट है तीन अंक, तो दो जीरो बढ़ा लिया कितना हो गया 300, एक जीरो बढ़ाया कितना हो गया 30, भाई सबके तीन तीन अंक हैं पॉइंट के बाद, तो तीन तीन अंक बराबर कर लीजिए, ये 300 हो गया, ये 30 हो गया, बड़ा फिर उससे छोटा, क्या ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है क्या? नहीं सर, ये तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, गलत है। हमें क्या चाहिए? हमें सबसे छोटा चाहिए फिर उससे बड़े की ओर बढ़ना है, जबकि ये बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न, जीरो पॉइंट, देखिए दो तो कॉमन है सब में, दो 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 कॉमन है, जीरो जीरो पॉइंट तीस, फिर जीरो पॉइंट तैतीस छोटे से बड़ा हुआ, फिर जीरो पॉइंट दो जीरो बढ़ा लिए 300, दो जीरो क्यों बढ़ा रहे हैं पता है ना, सब में तीन तीन अंक हैं पॉइंट के बाद, तो सब में तीन तीन अंक बराबर करने हैं पॉइंट के बाद, लास्ट में जीरो बढ़ा लेनी है, जीरो पॉइंट तीस, पॉइंट तीस, पॉइंट तैतीस, पॉइंट तीन सौ, पॉइंट तीन सौ तीन, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है सर, इसका भी बिल्कुल। नीरज जी, गीता देवी जी, उर्वशी जी, अनिल है ना, आकांक्षा राजपूत, ओम प्रकाश, सबका आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल बी सही है, बी सही है सर। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं सर, बहुत अच्छे प्रश्न हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट आता है प्रकार दो टाइप टू की बात कर लेते हैं, आवृत्ति वाले प्रश्न, कौन से? आवृत्ति वाले प्रश्न। तो सुनिए, सबसे पहली बात आपको आवृत्ति को समझना पड़ेगा, ठीक है? आवृत्ति होती क्या है? आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति, क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अच्छा एक और बात, एक मिनट, इस आवृत्ति को तो आप सब जानते हैं, इसकी जगह हम बात करते हैं जो आवृत्ति है उस आवृत्ति को शो कैसे करते हैं, आवृत्ति को दर्शाया कैसे जाता है, आवृत्ति को दर्शाया कैसे जाता है? तो सर बिल्कुल, आवृत्ति को दर्शाया कैसे जाता है, हम आवृत्ति की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, तो सुन लीजिए होता क्या है आवृत्ति को दर्शाने के लिए, आवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए जिस अंक की आवृत्ति होती है, याद रखना, जिस अंक की आवृत्ति, जिस अंक की आवृत्ति होती है उस पर रेखा बंधनी अर्थात बार या बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, इसे हटाते समय संख्या के, इसे हटाते समय संख्या के भाग में उतने ही 9 लगाए जाते हैं जितने अंकों पर रेखा बंधनी अर्थात बार होता है। देखिए है क्या ये सिस्टम, उसकी बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, 6 पे बार पॉइंट 3 पे बार प्लस 6 पॉइंट 3 पे बार प्लस 6 पे बार पॉइंट 3, ऐसे प्रश्न। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल नया है जो SSC ने पूछा है 2022 में ही, अभी लेटेस्ट प्रश्न है। इससे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी आवृत्ति क्या होती है। देखिए आवृत्ति जो होती है किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति को दर्शाया जाता है आवृत्ति के द्वारा। जिस अंक की आवृत्ति होती है उस पर रेखा बंधनी या बिंदु लगा करके दर्शाया जाता है, और जब इसे हटाते हैं तो इसे हटाते समय बटे में उतने 9 लगा देते हैं जितने अंकों पर रेखा बंधनी होती है। अब हटाने वाला प्रोसेस है वो आपको लिखित में समझ नहीं आएगा सर, उसके लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ आराम से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो हम ये बात कर लेते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट
तीन 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 अनंत तक चला जा रहा है ना। था क्या, मैं आपको पूरा सिस्टम ही बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने एक नंबर लिया 10/3, हमने 10/3 का भाग दिया, प्राप्त हुआ 3.333333333 अनंत, ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ तीन तीन का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति। तो हम इस तीन तीन का रिपीटेशन ना करके इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.3 पे बार, या हम इसे लिख सकते हैं 3.3 पर बिंदु लगा दी ऊपर। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। यदि रिपीटेशन हो रहा है, कहीं बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस पुनरावृत्ति को हम बार या बिंदु से दर्शाते हैं, बार या बिंदु से दर्शाते हैं। या तो हम उसके अंक के ऊपर बार लगा देंगे, तीन का रिपीटेशन हो रहा था, तीन पे बार आ गया, या फिर हम तीन के ऊपर क्या लगा देंगे सर, बिंदु लगा देंगे, या तो बार लगा देंगे या बिंदु लगा देंगे। अब देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं अगले चरण में। तो तीन का तो तीन आ गया, पूर्णांक है, अब पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, और बटे में एक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर, तो 1-9 आ गया, आ गया। आगे हमने इसे सॉल्व किया, तो देखिए अगले चरण में 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3 से ही 1/3 आ गया। सॉल्व किया, 3 × 3 = 9 और 1 = 10/3। जहाँ से चला था मंगलयान, वहीं पहुँच गया है 10/3। इसका मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है। इसका मतलब क्या है, शक्तिमान ही गंगाधर है। और गंगाधर ही कौन है, शक्तिमान है, दोनों अलग अलग नहीं है, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब जहाँ से 10/3 से हम चले थे, वही 10/3 पे पहुँच गए हैं, इसलिए बटे में 9 लगाते हैं, क्योंकि मान इससे परिवर्तित नहीं होता है, मान वही निकल के आता है मूलतः, ठीक है, इसीलिए 9 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ, 2.66666 अनंत। अब मान लीजिए इसको मैं लिखूँगा 2.6 पे बार, सॉल्व किया तो 2 तो आ गया, पूर्णांक 6/9 हो गया, भाई 6 पे बार था, 6 × 9 आ गया, 9 × 18, चाहे 3 से काट लीजिए, 3 × 6 = 9, 3 × 6 है ना, 3 × 6 = 6, 6 × 2 = 8, 8/3 आ गया, और इसकी वैल्यू भी वही थी 8/3। आप 8 में 3 का डिवाइड किए, यही आएगा, देखिए 3 × 6 बचा कितना, 2 पॉइंट लगा, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18 वही चलता रहेगा। तो ये है आवृत्ति का फंडा, आई थिंक समझ में आ गई होगी। आवृत्ति या पुनरावृत्ति यदि किसी चीज़ की जाती है, तो उस आवृत्ति या पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए या तो हम बार का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बार का, या फिर हम उसके ऊपर अंक के ऊपर क्या लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, तो आराम से हम इसे कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार सर पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फर्स्ट में सबसे पहले मैं आपको प्रश्न करके बताऊंगा, क्यों, क्योंकि पहले आप उदाहरण समझोगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट वो प्रश्न करवाऊंगा जो आए हुए हैं एसएससी में, यूपी पुलिस में। पहले हम बात करेंगे, सर यदि 2 अंक होते तो, बेटा ओम प्रकाश आप धैर्य रखिए, देखिए मैं आपको, मैंने क्या कहा, मैं आपको अभी करके बताऊंगा, पहले मैं समझा दूं, समझाने के बाद आपका जो प्रश्न होगा आप पूछ लेना, कहीं से कैसा भी कुछ भी आप पूछना चाहो जो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले अपन समझ लेते हैं, देखिए 2 पार्टों में मैं ले रहा हूँ प्रश्न। जैसे पहले पार्ट में मैंने लिया 2.2 पे बार, दूसरा प्रश्न लिया मैंने 3.4 पे बार, तीसरा प्रश्न लिया 3.21 पे बार, चौथा प्रश्न लिया मान लीजिए मैंने 2.457 पे बार, ये प्रश्न लिए। और इधर मैंने प्रश्न लिए कुछ, पहला जैसे लिया 2.23 और 3 पे बार, दूसरा प्रश्न मैंने लिया 2.1233 पे बार, तीसरा प्रश्न मैंने यहाँ लिया मान लीजिए 2.1115 पे बार, ऐसा कोई प्रश्न ले लिया है ना। और एक और चौथा प्रश्न मैं यहाँ ले लेता हूँ मान लीजिए 0.123 और 23 पे बार, ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न मैंने यहाँ ले लिया। मैंने यहाँ अलग अलग 4 और 4 = 8 प्रश्न लिए। कितने प्रश्न लिए सर, 4 और 4 = 8 प्रश्न लिए। प्रत्येक प्रश्न की हम बात करेंगे बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे। देखिए कैसे, सर यदि मैं इसको सॉल्व करूं, 2 तो हो गया, पूर्णांक 2 आ गया आगे, 2 तो हो गया, पूर्णांक 2 आ गया आगे। अब जो ये 2 है पॉइंट के बाद, ये चला गया ऊपर, और एक अंक पे बार था तो कितना आ गया, 9 आ गया, एक अंक पे बार था कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद।
ना, आगे चलते हैं, देखिए तीन तो आगे आ गया, चार ऊपर बटे बार हटाया तो बटे में कितने नौ, एक नौ, ये उत्तर आ गया। आप चाहो तो इन्हें सॉल्व करके लिख सकते हैं, नौ दूनी अठारह और दो बीस बटे नौ, नौ अठारह नौ किया सत्ताईस, सत्ताईस और चार इकतीस बटे नौ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, यहाँ तीन तो हो गया हमारा पूर्णांक, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको तीन प्लस ऊपर वाले को ही बता देता हूँ मैं, एक मिनट रुको। देखिए जैसे ये वाला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तीन प्लस चार बटे नौ, बात वही है, तीन सही चार बटे नौ लिख लो या तीन प्लस चार बटे नौ लिख लो, बात एक ही है भैया, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आया तीन पॉइंट था तो पॉइंट के बाद वाली संख्या गई ऊपर, बटे में इक्कीस, तो दो अंकों पर बार है तो दो बार नौ आ जाएगा, कितना आ जाएगा निन्यानवे, दो बार नौ आ जाएगा निन्यानवे आ जाएगा। अगला प्रश्न दो सही चार पाँच सात, कितने अंकों पर बार है, एक दो तीन अंकों पर बार है, तीन बार नौ आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो रही है आपकी चीज़ें, एक तो ये बात हो गई। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो हम ऐसे कर लेंगे। अनिल गुर्जर क्लियर है सर, बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल क्लियर है। देखिए यदि ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो हम आराम से ऐसे कर लेंगे, यदि इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो क्या करना है। तो देखिए यहाँ सर दो तक तो क्लियर है बात, दो तो हो गया अपना पूर्णांक, चलते हैं ऊपर, तो पूरा पॉइंट के बाद जो हिस्सा है ये पूरा ही ऊपर जाता है, ऊपर गया तेईस बटे में, कितने अंकों पर है सर जी बार, कितने, अब देखिए हटा रहा हूँ मैं, कितने अंकों पर है बार बताइए, एक अंक पर बार है, एक अंक पर बार है तो एक तो आएगा नौ, सुनना दोबारा, एक अंक पर बार है तो एक तो आ गया नौ। अब पॉइंट से लेकर के और बार वाले अंक के बीच में कितने अंक हैं, एक, तो एक अंक यहाँ है, इस एक अंक के लिए यहाँ आ जाएगी सर जी जीरो। दोबारा सुन लीजिए, दो तो आ गया पूर्णांक, तेईस बटे में एक पे बार था तो एक आ गया नौ, बार और पॉइंट के बीच में जितने भी अंक यहाँ शेष बच रहे हैं उतनी जीरो यहाँ आ गई। अब क्या करेंगे, उत्तर आ गया क्या सर, नहीं आया। अब जो ऊपर वाला अंश है उसमें से माइनस करेंगे क्या, जिस पे बार नहीं लगा था, किस पे नहीं लगा था, दो पे, उत्तर आएगा दो सही इक्कीस बटे नब्बे, दो सही इक्कीस बटे नब्बे आएगा सही आंसर। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। और देखिए ये रहा प्रश्न, दो सही एक सौ तेईस बटे कितने नौ, एक नौ, क्योंकि एक अंक पे बार है। अब बार और पॉइंट के बीच में कितने अंक हैं, दो, तो दो आ गई जीरो, और इसमें से माइनस करेंगे क्या, जो काम में नहीं लिया, क्या नहीं लिया, पॉइंट और बार के बीच में बार है तो माइनस बारह करेंगे, माइनस बारह करेंगे, उत्तर क्या आएगा सर, दो सही एक, दो में से एक गया एक, तीन में से दो गया एक बटे नौ सौ आंसर हो जाएगा ये फाइनली। क्लियर है चीज़ें, और देखते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न आया, यहाँ पंद्रह पे बार है तो दो सही एक सौ पंद्रह, अब डायरेक्ट देखो एक सौ पंद्रह है तो क्या बच रहा था, ग्यारह शेष बच रहा है, ग्यारह यहीं की घटा दो बटे दो अंकों पर बार तो निन्यानवे, और आगे दो अंक खाली तो दो जीरो, ये इसका आंसर आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लेंगे अपन। चलिए इसको देखते हैं, आगे पूर्णांक कुछ है क्या, नहीं है पूर्णांक कुछ नहीं है तो छोड़ दो, आगे चलो 123 बटे में कितने नौ, दो अंकों पे बार दो नौ, एक अंक ये रहा तो एक जीरो, क्या ये उत्तर है क्या, नहीं सर माइनस भी तो करना है एक, उत्तर आएगा 122 बटे 990, 122 बटे 990। और मेरा मूल मकसद जो था इनको समझाने का, श्रीलाल श्रीलाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्रीलाल जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आदित्य क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए एक बार। मेरा जो मकसद था इनको समझाने का, वो मकसद ये था कि अब मैं प्रश्न आपको कराऊंगा तो आपको पता तो हो प्रश्न करने कैसे हैं भाई, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे हम बच्चों को नॉर्मली ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, वैसे ही मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें मैंने समझा दी हैं, अब आपको ये तो पता होगा ना प्रश्न कैसे करना है। तो चलते हैं, चलिए प्रश्नों की तरफ, एक प्रश्न मैं यहाँ आपको आज लिखा दे रहा हूँ। देखिए एक प्रश्न की बात कर लेते हैं, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, एसएससी ने पूछा था चार पॉइंट दो पे बार का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न पहला, चार पॉइंट दो पे बार का मान होगा, ठीक है, एसएससी ने पूछा है ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपको दिए हैं और चारों ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में दिया है सर चार सही दो बटे नब्बे, चार सही दो बटे नब्बे। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दिया है चार सही दो बटे तीन, चार सही दो बटे तीन। तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन दिया है सर इसने अड़तीस बटे नौ, अड़तीस बटे नौ।
और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। SSC 10+2 का प्रश्न है, किसी जमाने का, किसी जमाने मतलब सन 2006 का, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है ना, काफी टाइम से अपन लेके चल रहे। ओम प्रकाश जी, सर प्लीज पांच नंबर वाला बता दो। देखिए पांच नंबर पे चलते हैं, पांच नंबर, 1, 2, 3, 4, इधर से पांच, ये वाला ठीक ही कह रहा है क्या सर? प्लीज डाटा प्रॉब्लम के, डाटा प्रॉब्लम की वजह से हमें नहीं दिख रहा है। ओम प्रकाश जी देख लीजिए पांचवा, 2.23 पे बार, 2.23 पे बार है ना। अब करेंगे क्या, दो तो आ गया पूर्णांक, 23 चला गया ऊपर, अब जिस पे बार नहीं था उसे घटा देंगे, -2 बटे में एक अंक पे बार है तो 1 और इसके लिए आ जाएगी 0, उत्तर आ जाएगा 2 सही 21/90, 2 सही 21/90 आ जाएगा भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये एक प्रश्न है, 4.2 पे बार का मान क्या होगा, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, 4.2 पे बार का मान क्या होगा, जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए, ऑप्शन आपके आगे हैं, 4.2 पे बार का मान क्या होगा। सी, नीरज जी सी बता रही हैं, सी, सी क्या है सर? सी है, एक बार देख लीजिए, 38/9, सी में दे रखा है 38/9, और नीरज जी कह रही हैं सी सही है सर, सी बता रही है कि सी आंसर बिल्कुल सही है सर, नीरज जी सी इज करेक्ट। ओम प्रकाश जी 38/9 बिल्कुल, अनिल फौजदार सी, गीता देवी सी, बिल्कुल बिल्कुल सही है गीता जी, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए एक बार मैं कर देता हूँ, सर 4.2 पे बार, जाहिर सी बात है 4 तो हो गया पूर्णांक, 2 पॉइंट के बाद वाली संख्या ऊपर चली गई, एक अंक पे बार था बटे में 9, आगे किया 9 चौक 36 और 2 38 बटे में 9, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए एक प्रश्न और दे देते हैं, एक प्रश्न की बात और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रश्न। उर्वशी बोला सी बिल्कुल सही है बेटा, सबका सी आ रहा है, सही है, सभी विद्यार्थी ढंग से सीख रहे हैं आई थिंक चीज़ों को, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बेटा, आप सब लोग ढंग से सीख रहे हैं। अगला प्रश्न SSC GD ने पूछा था, सेकेंड क्वेश्चन, 0.122 पे बार का मान होगा, 0.122 पे बार का मान होगा, ऑप्शन ए 12/99, ऑप्शन बी 12/90, ऑप्शन सी 11/90, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, जल्दी से आंसर दे दीजिए फटाक से, उत्तर आ जाना चाहिए सर अब तक, जल्दी बताइए, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताइए, 12/99, 12/90, 11/90, नीरज सिंह करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बेटा नीरज बिल्कुल सही है बेटा। चलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी उत्तर दे दीजिए, देखिए अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है, अगर चीजें देखिए, अगर आप वीडियो बार बार निकाल के काट काट के देख रहे हो तो कोई व्यर्थ है भैया, व्यर्थ है, अपना डाटा और अपना समय बर्बाद ना करें। लेकिन जो विद्यार्थी रूटीन में डेली क्लास में जुड़ रहे हैं, जो विद्यार्थी संख्या पद्धति से लेकर के प्रतिदिन क्लास में जुड़ रहे हैं, या फिर जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं, जो कल नए जुड़े थे लेकिन रूटीन में जुड़ रहे हैं डेली, उन विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं, वो विद्यार्थी एक न एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे सर। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपके एग्जाम्स हैं वो रूटीन मांगते हैं, वो मांगते हैं आपसे और रूटीन में आप चीज़ों को करें, एक लगातार अभ्यास, एक लगातार क्रम आपका चलता रहे। गीता देवी जी बिल्कुल सी आ रहा है, उर्वशी गोला सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, जिन विद्यार्थियों का सी आ रहा है उत्तर बिल्कुल सही है, इसका मतलब आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग चीज़ों को सीख रहे हैं। देखिए 0.12 पे बार, सर आगे पूर्णांक तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट आया 12 और 12 में बटे में आ गया एक के ऊपर, एक अंक के ऊपर 12 है तो 9, ये बचा शेष, इसकी जगह 0, माइनस कर दिया 1 तो आ गया उत्तर 11/90, क्या आ गया आंसर 11/90, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर सी, अनिल फौजदार 11/99 नहीं आएगा बेटा अनिल, एक बार ढंग से देखो, शायद आपने टाइपिंग में गलती कर दी है ना, 2 बार 9 दबा दिया है, 11/90 आएगा, 99 जब होता जब दोनों पर बार होता,
और तो फिर 99 नहीं आता, 0.12 पे बार होता तो आता 12/99 ना कि 11/99, है ना। कोई नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा नीरज जी भी, बाकी सभी बच्चों का सही है। आकांक्षा, आकांक्षा राजपूत सी, ओम प्रकाश जी सी, नीरज भी, चलिए 11/90 बिल्कुल सही है, जिनका भी आंसर आ रहा है। एक प्रश्न और मैं आपके लिए ले चलता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है मेरे पास, तीसरा प्रश्न आरआरबी रेलवे द्वारा पूछा गया है, और उसमें पूछा गया, पहला प्रश्न है, दो प्रश्न थे, निम्न का मान बताइए, एक करा रहा हूं मैं, 0.28 पे बार का मान होगा। निहायती सरल प्रश्न है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, 28/99, 28/90, 13/45, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से कर दीजिए सर, जल्दी से प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, समय हो रहा है, जल्दी से प्रश्न आना चाहिए। अनिल फौजदार, कोई दिक्कत नहीं बेटा, याद रखिए, जैसे चंद्रयान टू अपने मिशन से भटक गया था थोड़ा सा लैंडिंग के समय, और फिर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि प्रयास ही परिणाम की जननी है, आप प्रयास कीजिए, परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। वही कहानी गणित में भी है भैया, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, गणित में कोई परफेक्ट नहीं है, सब सीखते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हम गणित के अध्यापक हैं, भैया हम गणित के विद्यार्थी हैं, हम गणित सीख रहे हैं, है ना, गणित को सीख रहे हैं आज भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होती हैं। गीता देवी जी सी, अग्रवाल साहब सी, बिल्कुल अनिल फौजदार, 13/45, बिल्कुल अनिल बिल्कुल सही है, देखिए प्रयास का परिणाम आता है, बिल्कुल सही चल रहे हैं अग्रवाल साहब, गीता देवी जी, है ना, अनिल फौजदार, बिल्कुल सी, जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सर। देखते हैं, देखो 0.28 पे बार, अब बात करते हैं आगे, सॉल्व करेंगे सर, तो आगे पूर्णांक तो कुछ है नहीं, 28 माइनस कितना कर दूं, 2/1 पे बार था तो 9 और आगे 0, कितना आया 26/90, और 2 से काटा, 13 × 26 और 45 × 90, 13/45, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब सुनिए, मैं आपको एक प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ होमवर्क में, आप करके देखिए, अगर हो जाता है सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यदि हो जाता है, यदि नहीं होता है तो कल हम बात करेंगे इस प्रश्न की। 6.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 प्लस 6.3 का मान होगा। प्रश्न नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी, 6.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 प्लस 6.3 का मान होगा। सभी विद्यार्थी आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, 6.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 प्लस 6.3 का मान होगा। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए जल्दी से, और हमारा समय भी हो गया है, तो मैं मनीष सोनी आपसे विदा चाहूँगा, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टोटली बिजी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का परिणाम एक दिन जरूर आता है, सफलता आपके कदम चूमेगी, बस आप मेहनत रूटीन में करते रहिए और डेली जुड़ जाया करिए निश्चित समय से, हमारा समय लाइव आने का 7:45 बजे से और 9 बजे तक का टाइम है, हालांकि 10-12 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं हम, क्योंकि लेट ज़्यादा हो जाता है घर जाने में, तो आप खुद से देख लीजिए चीज़ों को और अच्छे से मेहनत कीजिए। आप सभी मित्रों को जो जुड़े हुए हैं, उर्वशी, नीरज, अग्रवाल साहब, अनिल फौजदार, गीता देवी जी, ओम प्रकाश जी, है ना, आकांक्षा, आप सभी को बेटा शुभ रात्रि, गुड नाइट, है ना, जय हिंद, जय भारत, और याद रखिए भारत आज मून पे है, इंडिया ऑन मून, ठीक है, और इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ, शुभ रात्रि।